बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज पहुंचा हूं मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना इलाके में। और मेरे साथ बवाना की एक बड़ी जनता है, जोरदार तालियों से जरा अपना स्वागत करिए और ये बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बवाना में उत्साह कितना ज्यादा है और अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी तादाद में बवाना की जनता ये बताने आई है कि बवाना में इस बार के मुद्दे क्या है, बवाना में क्या कुछ चल रहा है, बवाना में कौन जीत रहा है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में किसका पताका फहरेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इलाका इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और उसके गढ़ को भेदने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है। और जिस सीट पर मैं हूं यहां पर पुराने भाजपा ही रहे उदित राज इस बार चुनावी मैदान में है गठबंधन के टिकट पर, लिहाजा क्या होगा जनता से जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए 10 सालों में बीजेपी ने इस सीट पर कोई विकास किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया नहीं किया? ये लोग कह रहे हैं जनता और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 10 सालों में आपने कुछ भी नहीं कराया, क्या कराया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष को इस बवाना गांव माने पर शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी बताइए क्या करवाया उन्होंने? ये करवाया, आपने 10 साल का सवाल किया है तो पिछले 10 साल से तो बीजेपी बार बार यहाँ से एमपी जीत रहा, बगैर वर्क के कोई नहीं जीत। क्या काम करा पांच काम उन्होंने काम किया? भाजपा ने UR2 बनवाया, भाजपा ने NIT बनवाई, भाजपा ने भारत का तीसरा क्या करवाया? बिल्कुल, क्या विकास? यही जो है नरेला को जो पुल बन रही है, हिंदू मुस्लिम एक ही आदमी नहीं बोलेगा भैया, इनको समझाइए एक ही आदमी नहीं बोलेगा, सबका देखिए सबकी बात करने आए हैं, सबकी बात कर रहे हैं। आप बताइए, झूठ बोलते हैं जी, कुछ नहीं कर रहा, कोई विकास हुआ बवाना में? अच्छा, आपके सांसद यहाँ पर आते थे कि नहीं आते? आते हैं, उठे हैं, नहीं आए। 76 साल से मेरा दिल्ली देहात बर्बादी का कारगार पर खड़ी है, कितनी सरकारें आई और चली गई, विकास नहीं हुआ तो 10 साल से आई कैसे बीजेपी की सरकार आई है, 10 साल से विकास हुआ है तो 70 साल से कांग्रेस आतंकवाद का राज रहा, लूटपाट का रहा, क्या किया है? विकास हुआ है। अच्छा एक बात बताइए आराम से आपस में बातचीत नहीं, आपस में मेरा सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसके सरकार में ज्यादा विकास हुआ, भाजपा में या बीजेपी? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, आम पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। आप कह रहे हैं केजरीवाल, क्या इस बार केजरीवाल के काम लोकसभा में कांग्रेस के काम आएंगे? आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी और लोकसभा चुनाव में उदित राज जीत के जिताएगी। अगर 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 इनका कहना है अगर एमपी ने काम किया तो टिकट क्यों चेंज कर दिया? अब शांत, पीछे। हो गया। अच्छा, ये बताइए आप लोग बात करने आए हैं, नारे लगाने आए हैं, बात करना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं, इधर आधे लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने विकास कराया, आधे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास कराया। अच्छा केजरीवाल ने क्या कराया? करे केजरीवाल ने पानी का, लाइट का, और बसों का, और महिलाओं का, बच्चों का, तीर्थ यात्रा। अपनी जगह पर चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं सबका, आप थोड़ा पीछे भैया हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा सब नहीं, एक साथ सब बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आ रहे, बताइए। हमें ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने काम किया, इनको सुनिए और जवाब दीजिएगा, बीजेपी ने काम किया तो कैंडिडेट क्यों चेंज किया, और कैंडिडेट चेंज किया तो कैंडिडेट का काम बता दे, पूछ ले, शकल दिखाया हो यहाँ पे, इतना निकम्मा। कैंडिडेट चेंज हुआ, काम नहीं है, सीधा आज तक दिखाई नहीं दिया है। सुनो,
देश बर्बाद करे ना और कुछ ना करे। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, मैं जवाब ले लेता हूँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अच्छा एक ना और बोलो, फरी क्या दे दिया, मुर्दा पानी फरी। अच्छा आपने अगर इतना काम किया तो फिर आपको उम्मीदवार बताने की जरूरत, उदित राज को जो उतारा कांग्रेस ने, इन्होंने सनातन विरोधी बयान दिए, सनातन विरोधी बयान दिए हैं उदित राज ने, और ये बाकायदा मैं आपको डिबेट दिखा सकता हूं, इन्होंने चैनल पे सनातन विरोध, क्या ये सनातन के विरोध उसमें पक्ष में वोट मांगने आ जाएगा अभी यहाँ पे, इसको घुसने नहीं दिया जाएगा। आपने उम्मीदवार क्यों चेंज किया, अगर इतना ही अच्छा काम था, आपका सांसद इतना बढ़िया था, तो आपने अपना उम्मीदवार क्यों बदला? आज दादा थोड़ा पीछे, आगे आएंगे तुमने, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर चलिए। भाजपा में लोकतंत्र है और भाजपा अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है, जो भी अच्छा कार्यकर्ता उसको चुनाव भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं उदित राज सनातन विरोधी थे, क्या आप सनातन विरोधी मानते हैं? सनातन विरोधी मास्टर जी ने कही थी, धनी मास्टर जी याद है, धनी मास्टर जी जाट है, धनी मास्टर जी तो टिकट काट दिया था उदित राज का, जबी तो भगा था, अभी जबी उदित राज जी ने वाले पानी सही दिया, शिक्षा सही दी, केजरीवाल ने पानी सही दिया, शिक्षा सही दिया, स्कूल दिया और इस अस्पताल में सबके लिए बीमारी में सही हुआ। ये दिल्ली देहात का ना बीजेपी उदित राज को सनातन विरोधी बता रहे हैं, वो ना विरोधी और ना समर्थक है, सब अमरिंद्राज दलित का नेता है, बीजेपी का राज है। पीछे हुई है, थोड़ा पीछे मैडम, थोड़ा सा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा अम्मा थोड़ा पीछे, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा पीछे, हमारे कैमरा सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे कैमरामैन को थोड़ा जगह देंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, थोड़ा सा पीछे होइए सर, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, पीछे हो जाए, आप पीछे होइए, आप पीछे बोलिए। आज से 10 साल पहले उदित राज बीजेपी का आदमी था, क्या उस सत्ता में काम होया? ये आज लोगों काम नहीं हुआ। अच्छा महिलाओं को बोलने दीजिए, महिलाओं को बोलने दीजिए, आज हंसराज जी पिछले 5 साल से थे, बिगवाड़ा के देखे उदित राज को, कह रहे कि दो बार बर्बाद किया है, तो उसी उदित राज को फिर इन्होंने